9 अगस्त हमारे देश के अंदर जब अंग्रेज राज करते थे उस वक्त की जो फ्रीडम की लड़ाई थी, आज़ादी की लड़ाई, उस वक्त गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा दिया था, भारत छोड़ो। और क्योंकि हमारे देश में अब देश की आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक जो श्रम कानून बने थे देश के मजदूरों के हित की रक्षा करने के लिए, उसको ये सरकार सारे श्रम कानूनों को बदल रही है। और जितने भी देश के आज़ादी के बाद गवर्नमेंट सेक्टर बने थे, जैसे भारतीय रेलवे है और कोल माइंस हैं, डिफेंस के कारखाने हैं, बैंक हैं, इंश्योरेंस हैं, बड़े बड़े जो सरकारी क्षेत्र में काम करते थे उनको ये सरकार बेचने के लिए इन्होंने फैसला लिया है। और इसी वजह से अभी कोले को बेचने के लिए इन्होंने जो डिसीजन लिया था कि कोल की 500 ब्लॉक जो हैं वो बेचे जाएंगे, और उसके अंदर पैसा भी सरकार लगाएगी 50,000 करोड़ रुपया प्राइवेट कंपनियों को काम करने की सुविधा देने के लिए, जिसकी वजह से तमाम कोल के जितने भी वर्कर हैं 2.5 लाख रेगुलर हैं और 2.5 लाख ठेकेदार के हैं, 5 लाख वर्करों ने, तो अभी 18 तारीख को फिर ये बोली लगा रहे हैं। तो इसलिए 18 तारीख को एक दिन की पूरे देश में हड़ताल है। मंत्री सारे अपनी तनख्वाह बढ़ा लेते हैं, अपने अलाउंसेस बढ़ा लेते हैं, अपनी पेंशन जो है परमानेंट कर ली इन्होंने, और आम मजदूर के लिए कहते हैं कि जिसने पेंशन लेनी है वो खुद अपना पैसा कटाए और खुद अपनी पेंशन ले। इस हालात को देखते हुए हमने सभी 10 मजदूर संगठनों ने 27 तारीख को ज्वाइंट बैठकर फैसला किया कि 9 अगस्त को क्विट इंडिया वाले दिन हम देश बचाओ का एक नारा दिया है। हमने आम देश के मजदूरों को, जो 54 करोड़ देश का मजदूर है, कि देश बचाना है तो सड़क पर आना होगा, और नहीं तो अदरवाइज हम भगवा मजदूर बन जाएंगे, 12 घंटे 16 घंटे नौकरी करेंगे, किसी को भी किसी किस्म का मजदूर के कानून का कोई हक नहीं मिलेगा। सारे कानून ये बदलते जा रहे हैं, बात करने को तैयार नहीं है। तो इस वजह से 9 से लेकर 18 तक पूरे देश में 54 करोड़ वर्कर के पास पहुंचकर उनको जागरूक करेंगे, और 18 तारीख को जिस दिन कोल की एक दिन की हड़ताल होगी उनके साथ दूसरे सेक्टरों के भी जो कर्मचारी जा सकते हैं, यूनियनें जा सकती हैं, वो भी उस दिन हड़ताल करेंगी, परंतु उनके कोल की हड़ताल को समर्थन देने के लिए देश का 54 करोड़ वर्कर, उनके साथ में 250 यूनियनें किसानों की और स्टूडेंट जो है सारी, उन्होंने भी हमारे को समर्थन देने का फैसला किया है। पूरे देश में इस मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ, इस देश विरोधी नीतियों के खिलाफ पूरा प्रदर्शन डट के किया जाएगा। और फिर भी अगर सरकार नहीं चेतेगी, हमारे वोटों द्वारा सरकार बनी है, तो हम इस सरकार को आने वाले समय में, जिसमें देश का हर यूनियन, हर सेक्टर का कर्मचारी अनिश्चितकालीन की हड़ताल पर जाकर देश को बंद करने का काम करेगा।